हाय देयर एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लैश विद अवेज। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्लैश विद अवेज में। यहाँ मैं आपको बताता हूँ क्लैश ऑफ क्लैंस की ऐसी स्ट्रेटजीज जिससे आप इजीली 3 स्टार्स कर सके कोई भी बेस पे। बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है और गिव अप मत कीजिएगा और पेशेंस रखिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे वीडियोज़ को लाइक करें। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एयर स्ट्रेटजी टाउन हॉल के लिए, जिसमें हमने यूज़ किए थे ड्रैगन्स, इलेक्ट्रो ड्रैगन, बलून्स और लाइटनिंग स्पेल्स, जिससे हमने इजीली 3 स्टार्स कर लिया था। वो भी एक अच्छी स्ट्रेटजी थी। उसी एयर स्ट्रेटजी को कंटिन्यू करते हुए हमने बिल्डर बेस में भी अब एयर स्ट्रेटजी यूज़ करने का नक्की किया है। तो अब मैं बताता हूँ आपको बिल्डर बेस की एयर स्ट्रेटजी। यहाँ पे मैंने यूज़ किए 6 बैटलशिप्स, 30 बेटामिनियन और बैटल मशीन। अभी मेरे बैटामिनियंस और ड्रॉप शिप दोनों लेवल 16 के हैं। अगर लेवल 18 के हो गए तो ड्रॉप शिप का डैमेज बढ़ेगा और बैटामिनियंस के 2 ट्रूप्स बढ़ जाएंगे। चलिए देखते हैं आज का लाइव अटैक। पहले हमने ड्रॉप शिप डाल देने हैं। ड्रॉप शिप्स का भी हिट पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो सारा डैमेज अपने ऊपर ले जाएंगे और हमारे पीछे बैटा मिनियंस प्रोटेक्टेड हो गए। 5 डाल दिए हमने पर बिल्डिंग एक, और पीछे सारे बैटा मिनियंस एक एक करके डाल देने हैं। फिर जहाँ पे आपको दिख रहा है कि ड्रॉप शिप डिस्ट्रॉय होने वाला है, उस तरफ से आप एक जो बचा हुआ है वो डाल दें। फिर हम डालेंगे बैटल मशीन को और उसकी एबिलिटी यूज़ करेंगे। अब जो बाकी का काम है वो हमारे ड्रॉप शिप्स और बैटा मिनियंस पीछे से करते जाएंगे। ड्रॉप शिप्स जो है वो स्केलेटन्स छोड़ेंगे जो ग्राउंड से अटैक करेंगे, और ड्रॉप शिप्स के पीछे से बैटा मिनियंस एयर अटैक करते जाएंगे। और हमारा बैटल मशीन ने यहाँ पे मेगा टेस्ला डाउन कर दिया है। रोस्टर भी हो चुका है डाउन, बचा है एक क्रशर। यहाँ पे हमें एयर बॉम्ब पे ध्यान देना होता है क्योंकि हम एयर अटैक कर रहे हैं, तो एयर अटैक में एयर बॉम्ब सबसे फेटल डिफेंस होता है, तो हमें उससे बचना होता है और उसको डिस्ट्रॉय करना होता है। फायर क्रैकर्स भी हमारे बहुत डैमेज दे जाते हैं अगर बैटा मिनियंस की बात करें तो। ड्रॉप शिप्स पे वो इतना नहीं कर पाते क्योंकि ड्रॉप शिप्स के हिट पॉइंट्स बहुत ज़्यादा है। ये देखिए हम 76% कर पाए हैं विद 2 स्टार्स। चलिए देखते हैं ओपोनेंट ने क्या किया है। ओपोनेंट 50% भी नहीं कर पाया, वाओ। चलिए देखते हैं अब अगला अटैक। सेम स्ट्रेटजी, शांति से अटैक करना है। पहले हम ड्रॉप शिप्स डाल देंगे। देखिए सब बिल्डिंग आराम से छोड़िए बैटल ड्रॉप शिप सब बिल्डिंग पे एक एक। फिर बैटा मिनियंस 10 10 10 3 बार डालने हैं। बैटल मशीन एबिलिटी स्टार्टिंग में यूज़ कर लीजिए ताकि वो वॉल्स तोड़ पाए जल्दी से। देखिए सारे बैटल ड्रॉप शिप्स एक लाइन में जा रहे हैं लाइन में। बैटा मिनियंस उनके पीछे प्रोटेक्टेड है और ये मल्टी मोर्टार को डिस्ट्रॉय हो चुका है। रोस्टर बचा है, मेगा टेस्ला भी अभी बचा है और ये लावा लॉन्चर डिस्ट्रॉय हो चुका है। एयर बॉम्ब्स देखिए, एयर बॉम्ब्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए हम, लेकिन जो बैटल मशीन है वो टाउन हॉल को डिस्ट्रॉय कर चुका है, वाह। इस स्ट्रेटजी को आप अच्छे से यूज करिए, प्रैक्टिस कीजिए और ड्रॉप शिप्स को पहले डालिए। ड्रॉप शिप्स को अच्छी तरह से जाने दीजिए, धीरे धीरे ड्रॉप शिप्स को डालिए ताकि वो हर बिल्डिंग का अलग डिफेंस छोड़ सके। ये देखिए हम यहाँ पे 66% कर पाए विद 2 स्टार्स। चलिए देखते हैं ओपोनेंट ने क्या किया होगा। ओपोनेंट का अटैक चालू है, हम लाइव देखते हैं। ये देखिए ओपोनेंट यूज कर रहा है यहाँ पे बेबी ड्रैगन, सब मैक्स लेवल के हैं। ये चारों तरफ से डालने की कोशिश कर रहा है लेकिन ये हमारा टीएच डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। ओ मैक्स लेवल ड्रूप्स के सामने भी हमारे बेस ने खुद को डिफेंड कर लिया है। और ये हम ये वर्सेस बैटल जीत चुके हैं क्योंकि ओपोनेंट के एक ही स्टार हो पाया, हम कर चुके हैं 2 स्टार्स। सो वी विन द बैटल।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अटैक की ओर। यहाँ पे आपको लावा लॉन्चर की तरफ ध्यान नहीं देना है, एयर बॉम्ब्स को देख के हमें एयर बॉम्ब से दूर अटैक करना है। तो एयर बॉम्ब्स यहाँ पर है तो हमने दूसरी साइड अटैक किया, सारे ड्रॉप शिप डाल दिए, फिर 10-10-10 करके तीन बार बेटा मिनियंस, फिर लास्ट में हम डालेंगे बैटल मशीन एबिलिटी यूज़ करके। देखिए हमारे बैटल मशीन अंदर जा रहा है, वॉल तोड़ेगा, ड्रॉप शिप अंदर है सब, शिप दो है कॉर्नर में और सारे बेटा मिनियंस उनके पीछे उनका सपोर्ट करते हुए। देखिए ड्रॉप शिप के बहुत सारे स्केलेटन्स आपको दिख रहे होंगे, रोस्टर होने वाला है डिस्ट्रॉय और ये रोस्टर और मल्टी मोर्टार दोनों डिस्ट्रॉय। अब ये टाउन हॉल को हमारे बेटा मिनियंस ले जाएंगे और जो हमारा बैटल मशीन है वो डबल कैनन को तोड़ देगा। और ये बैटल मशीन एयर बॉम्ब्स को डिस्ट्रॉय कर जाएगा। अब सिर्फ हमारा बैटल मशीन बचा है तो वो जितना डैमेज ले पाएगा उतना हमें हमारे लिए अच्छा है। टावर आर्चर टावर तो वो डिस्ट्रॉय कर ही जाएगा, क्रशर नहीं कर पाएगा। सो आर अटैक एंड्स हियर विद ओ क्रशर भी डिस्ट्रॉय कर दिया, इट्स अमेजिंग। 80% डैमेज के साथ हमने 2 स्टार लिए हैं और अपोनेंट 47% ही कर पाया विदाउट अ सिंगल स्टार। देखिए ओपोनेंट के सारे ट्रूप्स मैक्स है, वो हमारे बेस पर अटैक कर रहे हैं। सब क्रशर में ही फंस के रह गए। देखिए क्रशर की वजह से मोस्ट ऑफ द ट्रूप्स डैमेज डिस्ट्रॉय हो चुके ओपोनेंट के और वो टाउन हॉल तक नहीं पहुंच पाया, जिससे कि हम जीत चुके हैं हमारा अटैक। चलिए बढ़ते एक और नेक्स्ट अटैक की ओर। एयर बॉम्ब इस तरफ है तो हम जाएंगे दूसरी तरफ से, पहले डालेंगे हमारे ड्रॉप शिप्स। ये देखिए यहाँ पर बिल्डिंग्स कम थी तो मैंने सिर्फ अभी 3 डाले और बेटा मिनियन सब डाल दिए। जैसे ही अंदर जाते जाएंगे ना मैं ड्रॉप शिप डालते जाऊँगा और देखिए वो कैसे टारगेट करेंगे बिल्डिंग्स को। अगर हम सारे बिल्डिंग ड्रॉप शिप्स पहले ही डाल देते तो वो एक जगह पे साथ में हो जाते, जिससे रोस्टर या मेगा टेस्ला आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता था, इसलिए मैंने थोड़ा वेट किया। और ये देखिए क्रशर को डिस्ट्रॉय कर दिया और हमारे दो ड्रॉप शिप्स अंदर है, एक कॉर्डन में है और ये बेटा मिनियंस पीछे काम करते हुए बैटल मशीन और ड्रॉप शिप तीनों मिल के टाउन हॉल को डिस्ट्रॉय कर देंगे। क्रशर एक बचा है उसको भी बेटा मिनियंस आराम से डिस्ट्रॉय कर देंगे और ये क्रशर भी हो चुका है डिस्ट्रॉय। अब बचा है एक ड्रॉप शिप और थोड़े से बेटा मिनियंस। ये देखिए स्केलेटन्स बहुत सारे दिख रहे होंगे जो क्लॉक टावर को डिस्ट्रॉय कर जाएंगे और ये क्लॉक टावर हो चुका है डिस्ट्रॉय। अब हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। सो आर बैटल एंड्स हियर विद 66% डैमेज एंड 2 स्टार्स। चलिए देखते हैं ओपोनेंट का अटैक। 50% डिस्ट्रॉय का मैसेज आया है, लाइव अटैक चल रहा है अभी भी, लेट्स सी। ये देखिए क्रशर के पास मोस्ट ऑफ डैमेज हमारा मिल रहा है, बैटल मशीन बचा है सिर्फ उसका और बॉम्बर्स तो आगे जाके कुछ कर नहीं पाएंगे, सिर्फ बैटल मशीन पे भरोसा है, वो भी अब नहीं रहा। और देखिए आप 1 स्टार कराए ओपोनेंट ने, टीएच को वो छू नहीं पाया। सो इज अटैक एंड्स हियर एंड हम जीत चुके हैं ये वर्सेस बैटल। मैक्स ट्रूप के सामने हम जीत रहे हैं। देखिए सो गाइस ये थी आज की एयर स्ट्रेटजी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको प्रैक्टिस करिए, वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन
Thanks for watching my video, and if you like my video, then subscribe the channel. Thank you. Bye guys. Stay tuned for the next video.